तो मैंने मल्टीमीटर को होल्ड कर लिया है और ये जो रिले है इसको चेकआउट करेंगे। तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे इस स्टील वाले पे एक बार, दूसरा इस स्टील वाले पे दो बार, जो ये इस जगह पे देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो रीडिंग जो है 150 से नीचे होना चाहिए। आपको अगर स्क्रीन के ऊपर दिखेगा रीडिंग, तो वो 150 के नीचे रीडिंग आना चाहिए जब ये रिले सही माना जाता है। तो इसको और इसको, तो रीडिंग देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इसका, इसलिए ये जो वोल्टेज की सप्लाई नहीं कर रहा, देखिए कहाँ पे लगाए हैं, इन दोनों जगहों पे। तो यहाँ से इसका मेन काम है ईसीयू तक इनपुट वोल्टेज पहुँचाने का। अब अभी आपको एक और कहा, हम दूसरा नया रिले लाए हैं, इसका देखिए वोल्टेज रीडिंग बढ़ रहा है। अब इसके अंदर हम नया रिले असेंबल करेंगे, तो ये इसका है ओल्ड रिले, हटा दो इसका, चेकआउट कर दिए हैं, ये इसका ओल्ड रिले है, ये इसका एक गाड़ी से ओपन करके मैंने लाया था ताकि चेकआउट कर लिया जा सके। अब चलिए इसको यहाँ पे डायरेक्टली असेंबल करते हैं, ये मैंने यहाँ पे असेंबल कर दिया, ये पुराना रिले है। अब चलिए आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। अब मैंने क्या है, सिर्फ रिले रिप्लेसमेंट किया है और यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है इस तीसरे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे और इसको हम ग्राउंड देंगे कहीं से भी। तो देखिए यही होता है प्रूफ। पहले क्या था, इसके अंदर कोई भी वोल्टेज की प्राप्ति नहीं थी, और अब जैसे इसके अंदर रिले रिप्लेसमेंट किए, अब वोल्टेज आना शुरू हो गया। यानी यहां पे जो मैकेनिक भाई गलती कर रहे थे ईसीएम को रिप्लेस करके, ईसीएम की खराबी है नहीं, क्योंकि ईसीएम को जो इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए वो रिले खराब होने की वजह से मिल नहीं रहा था। अभी देखिए 12 वोल्ट आना शुरू हो गया। अब चलिए इसको लगाते हैं और आपको करंट भी चेक कराएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि गलती जो थी वो पता चल गया है। अब देखिए इसको मैंने लगा दिया है। अब चलिए आपको क्या है कि इसके गाड़ी को करंट को चेक करके दिखाएंगे। पंप भी चलना शुरू हो गया, सिर्फ इसके इनपुट वोल्टेज के प्रॉब्लम से यह सारा इशू हो रहा था। जैसे इनपुट वोल्टेज मिला, ये देखिए फ्यूल की छिड़काव हुआ, पंप चलना शुरू। चलिए करंट को चेक कराते हैं। अब इसके राइट हैंड साइड ले आ चुके हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाए क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम है और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं। चलो मारो, ये देखिए स्पार्किंग आना शुरू हो गया। मारो मारो, बस बस छोड़ दो, झटका। अब चलो गाड़ी को लगाते हैं फ्यूल टैंक।